हर हर महादेव दोस्तों, केदारनाथ बाबा के कपाट आज सुबह 6:20 पर खोल दिए गए हैं। आप सभी भी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच सकते हैं, लेकिन वही रिक्वेस्ट करूंगा कि गंदगी और कूड़ा ना फैलाएं। हमारे इन सभी धार्मिक स्थलों को साफ रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही प्रसिद्ध भगवान शिव के मंदिर के बारे में जानने वाले हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के मुखाकार की पूजा होने वाला यह मात्र एक ऐसा मंदिर पूरे भारतवर्ष में स्थित है। बाकी दूसरा मंदिर आपको हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ में दर्शन करने को मिलते हैं। तो भगवान शिव के इस प्रसिद्ध मंदिर को रुद्रनाथ महादेव के नाम से, रुद्रनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक बहुत लंबा सफ़र आपको पैदल तय करना पड़ता है, जो कि 20 किलोमीटर का होता है। मंदिर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आज की वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रोज की तरह रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर ऑन कर लीजिए। आगे हम आने वाली वीडियो में भी भगवान शिव के जो पंच केदार हैं, इन सभी के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव के इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में पहुँच भी सके और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी उनको प्राप्त हो। दोस्तों, भारत के प्रसिद्ध जो पंच केदार हैं हमारे उत्तराखंड के, उन सभी के बारे में मैं आगे आप सभी को बताने वाला हूं। आज हम बता रहे हैं भगवान शिव के प्रसिद्ध रुद्रनाथ मंदिर के बारे में। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव को समर्पित यह प्रसिद्ध मंदिर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव के मुखाकार की पूजा होती है, जबकि संपूर्ण शरीर की पूजा नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ में की जाती है। आपने भारत में कई अन्य मंदिरों में दर्शन किए होंगे जो भगवान शिव को समर्पित हैं और वहां आपके लिंग की पूजा की जाती है, पर उसके मुख की पूजा शायद ही रुद्रनाथ के अलावा भारत के किसी और मंदिर में भगवान शिव के मुखाकार की पूजा की जाती हो। दोस्तों, रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित है। चमोली से सगन नाम का गांव स्थित है, जहां से आपको 20 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव के रुद्रनाथ मंदिर जो केदार हैं, उनकी अपेक्षा अधिक थकाने और मुश्किल रास्ता यहाँ का है। लेकिन सगर से बाबा केदारनाथ मंदिर तक के बीच का सफ़र जो है दोस्तों, वहाँ स्थित अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और महादेव के दर्शन आपकी थकान को पल भर में मिटा देते हैं। आप मंदिर तक हरिद्वार या देहरादून से आसानी से आ सकते हैं, जहाँ से आपको ट्रेन के जरिए आप इन स्थानों तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से आपको बस या टैक्सी से आना पड़ेगा। वहाँ से आपको गोपेश्वर तक जाना होगा। गोपेश्वर से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है सगर गाँव, जहाँ से आप गोपेश्वर से आप पैदल भी जा सकते हैं। सगर गांव में भी रुकने की आपको व्यवस्था मिल जाएगी। वहीं से अगले दिन आप पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं दोस्तों, जो कि पैदल यात्रा 20 किलोमीटर की है, तो काफ़ी डिस्टेंस है। आपको 7 से 8 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं। तो आप सगर में रुककर अगले दिन सुबह ही रुद्रनाथ के लिए अपना जो रास्ता है वह तय कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कई कथाओं में यह भी कहा जाता है, जब पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन करने चाहे तो भगवान शिव ने उन्हें अलग अलग 5 जगहों पर अलग अलग स्वरूपों में दर्शन दिए। वह सभी 5 जगह हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं। उन्हें हम पंच केदारों के नाम से जानते हैं, जिनमें केदारनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ और कल्पेश्वर महादेव। इन प्रसिद्ध 5 स्थानों पर भगवान शिव ने अलग अलग रूपों में पांडवों को दर्शन दिए, ऐसा भी इन प्रसिद्ध पंच केदारों के बारे में मान्यता है दोस्तों। अब हम चलते हैं प्रसिद्ध रुद्रनाथ मंदिर के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, हमने पंच केदारों के बारे में एक शॉर्ट वीडियो यानी उनमें संक्षिप्त में इन सभी पंच केदारों के बारे में बताया गया है। वह वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पर देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से वह वीडियो देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। भगवान रुद्रनाथ मंदिर का जो रास्ता है, इसमें काफ़ी बुग्याल पड़ते हैं, जिनमें रुकने की सुविधा भी उपलब्ध है। आप यहाँ रुक भी सकते हैं, जिनमें मुख्य है पुंग बुग्याल, लिपि बुग्याल, पनाल बुग्याल आदि। कई ऐसे छोटे बुग्याल स्थित हैं, छोटे गांव स्थित हैं, जहां आपको रुकने की सुविधा भी मिल जाएगी। भगवान रुद्रनाथ के मंदिर में कई अन्य और मंदिर भी स्थित हैं इसके आसपास, जिनमें 5 पांडव, माँ कुंती व देवी द्रौपदी को समर्पित मंदिर हैं। वह कई कुंड भी स्थित हैं, जिनमें नारद कुंड, सरस्वती कुंड, तारा कुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, मानस कुंड। और मान्यता है कि नारद कुंड में स्नान करके ही भगवान
रुद्रनाथ के दर्शन इस प्रसिद्ध मंदिर में किए जाते हैं। दोस्तों मंदिर के खुलने का समय आप सभी को बता दूं, यह सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है, जिसमें मुख्य आरती का जो टाइम होता है वह सुबह 8 बजे और शाम के 6 बजे है। भगवान शिव के इस प्रसिद्ध मंदिर रुद्रनाथ में आप भी जरूर दर्शन करने आएंगे। भगवान भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तराखंड के किसी और प्रसिद्ध केदार की जानकारी के साथ। जुड़े रहे देवभूमि इंडिया के साथ। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हर हर महादेव।